सबके सिया सबके राम के नारे के साथ पटना से अयोध्या के लिए भव्य लोकुश यात्रा निकली। बुधवार की शाम करीब 4 बजे सिवान पहुंची। इस दौरान जय श्री राम सबके सिया सबके राम के नारे से पूरा सिवान शहर गुंजायमान हो गया। स्वागत में सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, सिवान नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष अनुराधा गुप्ता, भाजपा नेत्री अर्चना सिंह समेत तमाम नेतागण मौजूद रहे। इस दौरान सड़क के दोनों किनारे भारी तादाद में श्रद्धालु की भीड़ लगी रही। भगवान श्री राम की मूर्ति की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। बता दें कि दर्जनों गाड़ियों का काफिला इस रथ यात्रा के साथ मौजूद है। रास्ते में श्रद्धालु फूल की भी वर्षा कर रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लोकुश समाज द्वारा लोकुश यात्रा निकाली गई। हम लोग बहुत उत्साहित हैं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग लोकुश रथ यात्रा का शुरुआत किए हैं। 2 जनवरी पटना से शुरू हुआ है, फिर प्रदेश बीजेपी कार्यालय से सम्राट चौधरी जी भगवा झंडा दिखाकर इसका उद्घाटन किए हैं और छपरा सिवान गोपालगंज होते वाल्मीकि नगर रहेगा वहाँ भी बहुत लाट पैमाने पर हम लोग पूजा हवन पूर्ण सब चीज़ करने जा रहे हैं। वहाँ वाल्मीकि नगर में लोकुश का जन्मस्थली रहा है, फिर सीतामढ़ी जाएंगे, पुराना धाम जाएंगे जहाँ माँ सीता के जन्मस्थली है और उसके बाद पूरे बिहार को भ्रमण करते हुए हम लोग अयोध्या में इसका समापन करेंगे 22 तारीख को। इतना ही हमारा संदेश है कि अभी वर्तमान समय में प्रभु राम की जितनी भी नाम आप लेंगे उनकी प्रासंगिकता को जितना भी बढ़ाएंगे सुख शांति समृद्धि समाज में कायम होगा और आपसी सौहार्द बनेगा। नरेंद्र मोदी ने देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा अभी संसार में भारी प्रतिस्पर्धा समझते हैं जोर आजमाई। ये काम जिस दिन हो जाएगा भारत विश्व का गुरु हो जाएगा और सबसे शक्तिशाली देश। पटना स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया है। यह सोनपुर छपरा के रास्ते सिवान पहुंची है। यहां से गोपालगंज बेतिया के रास्ते विभिन्न मार्गों से होते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। इस यात्रा के संरक्षक जेपी वर्मा और संयोजक नूतन कुशवाहा हैं। लवकुश यात्रा के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।